नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हाथरस हत्या या हादसा, जी हां, दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना पूरे देश को झकझोरने वाली है और सैकड़ों सवालों से भरी भी। इस पे दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है, बदनसीबी है, अव्यवस्था है, सिस्टम की घोर लापरवाही है और सबसे बड़ी समाज की चुनौती भरी दास्ता है, वो है लोगों में पनपता अंधविश्वास। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता। बस नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाता है, जगह बदल जाती है, मगर आस्था के सिंहासन पर बैठकर ये कथित बाबा अंधविश्वास के नाम पर खुद को भगवान साबित करते रहते हैं। सोचने वाली बात है कि आस्था के इन व्यापारियों के आयोजनों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी IJDRR की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। उधर हाथरस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन के कामकाज के तरीकों को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। बड़े धार्मिक आयोजनों को लेकर क्या प्रशासन आयोजकों से कभी पूछता है कि उसमें कितने लोग शामिल होंगे? यदि निर्धारित तादाद से अधिक लोग आ रहे हैं तो क्या उन्हें रोकने के लिए कोई इंतजाम होते हैं? क्या प्रशासन आयोजन स्थल की क्षमता की तुलना में वहां आने वाले लोगों की संख्या को लेकर इंतजामों का आकलन करता है? ऐसे कई सवाल हैं आज जिन पर चर्चा करना जरूरी हो गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा राव में मंगलवार सैकड़ों लोगों के लिए अमंगल रहा। फुलरई गांव में भरी गर्मी में स्वयंभू भोले बाबा का सत्संग सुनने पहुंचे लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनमें से कईयों के लिए आखिरी सत्संग होगा। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं सत्संग सुनाने वाले बाबा अभी भी फरार हैं। उधर हाथरस कांड की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, लेकिन इस घटना को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। क्या ये एक हादसा है, हत्या? और आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हाथरस में हाहाकार, 121 लाशें, कई सवाल, मौत के सत्संग पर आखिर कौन देगा जवाब? उत्तर प्रदेश के हाथरस के फूलराई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने अब तक 121 लोगों की जान ले ली है। 100 से अधिक लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हाथरस हादसे में भक्तों की मौत के मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। उधर CM योगी आदित्यनाथ ने मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जाँच करेंगे। ये टीम कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही पता लगाएगी कि हाथरस कांड एक दुर्घटना है या फिर साजिश। इस बीच पुलिस ने FIR दर्ज कर 22 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस बाबा के सत्संग में मौत का तांडव हुआ और 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस स्वयंभू भोले बाबा का नाम FIR में है ही नहीं। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस हादसे के गुनहगार कौन? परमिशन 80,000 की फिर कैसे जुटे 2.5 लाख लोग? उधर हादसे के बाद हर रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, जबकि आयोजकों ने परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की ही ली थी। इतना ही नहीं, जहाँ पर बाबा का सत्संग हो रहा था वहाँ पर एंट्री और एग्जिट के कोई पॉइंट तक नहीं बनाए गए थे। अगर वहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया गया होता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस प्रशासन ने बिना सुरक्षा के इंतजामों के धार्मिक कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति कैसे दे दी? कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है,
कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। हाथरस में जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं, लोगों की जाने जाती रही है। ऐसे मामलों में कुछ दिन हल्ला होता है, बाद में सब ठंडा पड़ जाता है। इससे साफ है कि इस तरह के आयोजनों को लेकर देश भर में कोई पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। सवाल तो ये भी है, क्या इस तरह के हादसों की जांच के निष्कर्षों से कभी कोई सबक लिया जाता है? क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, इसी तरह जांच के आदेश जारी किए जाते हैं। इन घटनाओं की जांच लंबी चलती है, कई हफ्तों, महीनों और कई बार वर्षों बाद जांच की रिपोर्ट आती है, लेकिन इनके निष्कर्ष भी अक्सर अस्पष्ट ही होते हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा बीजेपी नेता लखनऊ से जुड़ेंगे, आरपी राजन जी सपा नेता भी लखनऊ से जुड़ेंगे, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हमारे साथ होंगे, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी मनोज चिकित्सक हमारे साथ भोपाल से ही होंगे, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महंत जी होंगे स्वास्थ्य पीठासीन के उज्जैन से, अजय त्रिपाठी हमारे साथ स्टेट एडिटर है और विनोद शर्मा हमारे ग्वालियर बीच चौक हमारे साथ है। विनोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। विनोद, आप गए थे आज झंडापुरा गांव, जहां आपने सब देखा, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे क्या कह रहे हैं वहां के लोग? जब भी बाबा वहां पहुंचते थे तो किस तरह के वहां परिदृश्य हुआ करता था, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, ग्वालियर से करीबन 30 किलोमीटर झंडापुरा गांव है। यहाँ पर जो भोले बाबा जिनका कहा जाता है, नारायण का नाम है, उन्होंने अपना सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ था। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि उस सत्संग में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग शामिल हुए थे, लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी अभी तक कि इतने लोग एकत्रित हुए थे। उन्होंने केवल एक हल्की फुल्की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी। ग्रामीणों से इस संबंध में बात हुई तो ग्रामीण भी बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि एक सीक्रेट तौर पर उनका कक्ष हुआ करता था, जहां केवल गिने चुने लोग ही जाते थे, महिलाएं सुरक्षा उनकी करती थी, युवतियों का आने जाना रहता था उस पंडाल में। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और आसपास के जो ग्रामीण थे वो इतनी भीड़ से बेहद परेशान थे, पते तक खराब कर देते थे जो लोग पहुंचते थे। विनोद, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जो लोग पहुंचते थे उनकी वजह से वहां सत्संग जो होता था उससे लोग भी बेहद परेशान, ग्रामीण हो जाते परेशान। और अब जो कि गांव वालों का कहना है कि इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही घटना हुई है तो उनका जो आश्रम बना हुआ है उसको सफेद रंग से पोत दिया गया, उनके नाम को पोत दिया गया। त्रिपाठी जी, हैरानी करने वाली बात ये थी कि वहां पर हमको अभी भी ऐसे 3-4 महिलाएं मिली थी जो कि बाबा की बहुत ज्यादा शुभचिंतक थी, कह सकते हैं उनकी अनुयायी थी, और उनका कहना था कि बाबा ने सब कुछ नहीं किया। कई महिलाएं तो बाबा को देवता मानती है, उनको भगवान मानती है, और आज भी उनकी तस्वीर को लेकर आश्रम में घूमती हुई मिली, और उनका कहना था कि बाबा फरार नहीं हुए हैं बल्कि अंतर ध्यान हुए हैं और वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो एक तरह से पूरा नेटवर्क के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि चलता था, वहां अंदर क्या चलता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन ग्रामीण जो बातें कर रहे हैं उससे पता जरूर लगता है कि अंदर जो भी चलता था वो ज्यादा ठीक नहीं था, और उसमें बहुत सारे लोगों की आवाजाही रहती थी। और बाबा अक्सर यहाँ जब आता था तो लोगों को इस बात से डराता था कि उसकी ऊंची ऊंची पहुंच है, अगर किसी भी ग्रामीण ने किसी तरह से कोई शिकवा शिकायत की तो उसको खैर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बेहद डरे हुए होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं होती, लिहाजा वो इसकी शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन जब घटना हुई है तो अब आसपास के गांव के लोग भी आने लगे हैं। विनोद, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीक्रेट कक्ष होता था, उसमें किन लोगों का आना जाना रहता था? देखिए, जो बताया था ग्रामीणों ने, उनका कहना था कि उनका एक सीक्रेट कक्ष बनाया गया था, उसमें अधिकतर महिलाएं जाती थी, युवतियां जाती थी, अब किस वजह से जाती थी ये किसी को नहीं पता। और जब भी युवतियां महिलाएं उस कक्ष के लिए जाती थी अंदर, तो बाहर उनके सारे मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे उनको बाहर जमा करा लिया जाता था,
और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वहां क्या होता था, सत्संग चलता था या फिर कोई चर्चा होती थी या क्या कुछ होता था, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन ग्रामीण इसमें कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे थे और वो बता भी रहे थे कि इसको लेकर एक माहौल खराब करके रखा था बाबा ने यहाँ पर। और उनके जो जो उनके श्रद्धालु आते थे उन्होंने भी पूरे क्षेत्र में फसल तक बर्बाद कर देते थे। बाबा से जब इस बारे में चर्चा की जाती थी तो बाबा उनको भगा देते थे और उनको डराते थे। और इसके साथ जो इलाका है अभी भी उसको पूरी तरीके से आश्रम में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही घटना हुई पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब तफ्तीश की तो आश्रम में कोई नहीं मिला और आश्रम का नाम भी पोत दिया गया था रात ही रात में। हैरानी इस बात की भी थी कि जो स्थानीय पुलिस है ग्वालियर जिले की अगर हम बात करेंगे तो पुलिस को भी ये नहीं मालूम था कि इतने बड़े स्तर पर यहाँ सत्संग होगा है। जब हम लोगों ने पूछताछ करी तो पता चला कि पुलिस ने जानकारी आनंद फानंद में जुटाई और पुलिस ने कहा था कि यहाँ ये कार्यक्रम जरूर हुआ था। तकरीबन 2 साल तक यहाँ जो भोले बाबा है उनका आयोजन होता रहा, वो आते रहे जाते रहे फिर जाते फिर चले जाते, इस तरह से उनका यहाँ आयोजन रहा। बहुत कुछ ठीक नहीं था जिस तरह से जो ग्रामीणों ने कहा, कई तरह की ऐसी बातें थी जो विनोद जी बिल्कुल सही बात है। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मनोचिकित्सक है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी है। त्रिवेदी जी मेरी आवाज आ रही है जी? नमस्कार सर त्रिवेदी साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। त्रिवेदी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे ऐसा क्या होता है, हम तो इसको यही कहेंगे अंधविश्वास, ऐसे लोग बहुत सारे त्यागी भी होते हैं लेकिन ऐसे जो पुलिस में भर्ती हो, आरक्षक हो, जो सस्पेंड हो गए हो, छेड़खानी के आरोप में जेल में रहे हो, इसके अलावा भी अभी इसके जब वो बाबा बन गए तो उन्होंने एक लड़की जो मर गई थी जिसको जिंदा करने के नाम पे 2 दिन तक वो वहां पे अनुष्ठान करते रहे, बोले जिंदा, फिर उनके प्रकरण होता। ऐसा ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह अंधभक्त कि उनके जहां से बाबा जा रहे हैं, बाबा काहे को कहेंगे, इनका असली नाम है सूरजपाल जाटव, तो सूरजपाल जाटव जहां से जा रहे हैं वहां की धूल लेकर के माथे में लगाने के लिए, या वो अगर एक तरह से वो जो पानी होता है उसको फेंकते हैं लोगों को पड़ जाए उससे हम ठीक, ऐसा क्या ये लोग मोहित कर देते हैं कि लोग पागल से हो जाते हैं, आप बेहतर इसमें बता सकते हैं। देखिए जवाड़ी साहब, सबसे बढ़िया सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस चर्चा में आपने मुझे शामिल किया जी, धन्यवाद। इसके पीछे कई सारे कारण देखे जा सकते हैं, केवल एक कारण अंधविश्वास जो एक अम्ब्रेला शब्द है उसके पीछे बहुत सारे कारण जैसे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पहलू होते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्तर पर बहुत ज्यादा परेशान घूम रहा है जी। साथ ही साथ भारतीय समाज में अगर महिलाओं की बात करें तो जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई कम है, वहां पर महिलाओं को काफी सप्रेस रखा जाता है, वहां उनके विचारों को व्यक्त करने नहीं दिया जाता और उनको बहुत सारी रोक टोक, बहुत सारे उनकी आवाजाही में पाबंदी लगी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भक्ति और ये जो जुड़ाव होते हैं इनका परिवार में एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा होता है कि इसके लिए उन्हें रोका टाकी या बोला नहीं जाएगा। इसकी वजह से आप देखिए कि इसमें मास जो रहता है वो महिलाओं का होता है, जो कई बार जैसा मैंने बताया कि कम पढ़े लिखे तबके को बिलोंग कर सकता है। हालांकि इस ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें बहुत सारे शिक्षित लोगों को भी हमने अंधविश्वास में लिप्त देखा है, परेशान सा जुड़ा हुआ देखा है। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं और ये हमारे अंदर एक होप जगाते हैं जो हमें कहीं नहीं मिल रही होती। मेरा कोई कुछ सुन नहीं रहा है, मेरा घर में कोई सुनवाई नहीं है, मेरा सब प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है, मैं अपने पास से हताश और निराश हूं जी। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मुझे होप बेचता है जी, बोलता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये करना है वो करना है, अंधविश्वास से पैसे ऐंठना एक होप दिखाता है। तो होप को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेल किया जाता है जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जहां पर जाने पर मुझे रोक टोक नहीं है, सामाजिक रूप से बल्कि मेरा तबका बढ़ेगा कि मैं बहुत भक्त हूं और वहां जाने पर कोई मेरी समस्या सुनने वाला है, कोई मेरे मन की बात कर रहा है। तो ऐसे में जो भक्ति है वो सो कॉल्ड जो आपने शब्द यूज किया अंधभक्ति में तब्दील हो जाती है और लोग इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उसको आइडियलाइज करने लगते हैं, उनका जीवन खुद को उनके शरीर में उनके मन में वो जीने लगते हैं अवचेतन से जी, बिल्कुल जीने लगते हैं। लेकिन मैंने इस तरह की जैसे आप यहीं पे एक हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए बाहर प्रदेश से बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, वहां भी भगदड़ मची थी, मरे थे। ऐसे ये बकायदे ये बाबा जूता पहन करके सूट बूट के साथ सत्संग करते हैं, तो
कुछ ना कुछ तो सम्मोहन शक्ति होगी इनके अंदर डॉक्टर साहब। जी सम्मोहन शक्ति तो मुझे लगता है कि हम ये कह करके और शायद अंधविश्वास को बढ़ाएंगे। सम्मोहन शक्ति से मेरा आशय है कि ये होप जो बेचने का काम है, जो मेरे अंदर चीजें नहीं है वो मैं अपने गुरु में बाबा में देखता हूं तो मुझे खुद में पूर्णता महसूस होती है उनसे जुड़ के। मेरे अंदर का जो अधूरापन है, जो मेरे अंदर की असुरक्षाएं हैं, उनके साथ जुड़ करके हम वही जीवन जीने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वही सब कुछ है, वही हमारे लिए है, वो हमारा गॉडफादर है, वो उसके लिए लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी बताया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे आप पुराने में देखिए कि अगर जो भी लोगों की पकड़ हुई है अपराधों से लिप्त, तो वहां पर लोग अभी भी कुछ उनके अनुयायी ऐसे होते हैं कि नहीं ये तो बाबा के साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस हद तक हो जाता है। कई बार ये साइकोसिस का भी रूप ले लेता है, कई बार आपने देखा होगा कि मास हिस्टेरिया का रूप ले लेता है। बाबा जी ने कहा कि सबको बेहोश होना है तो 5 मिनट के लिए सब लोग बेहोश हो गए, हाथ पैर चलाने लगे। ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो जरूरत है कि शिक्षा के माध्यम से और जो हमारे घर परिवार में जो टूटन है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है हमारे परिवार की कमी का, जिसका फायदा ये उठाया जा रहा है जी। तो इसकी जो रूट, इसका जो रूट कॉज है वो अभी भी फैमिली में ही है, समाज में ही है जी। हमने उस जरूरत को जन्म दिया, आवश्यकता के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है इस व्यवसाय की। चलिए आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी साहब आपको, विनोद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, आप चाहे राम रहीम की बात करें वहां भी महिलाओं की संलिप्तता रही है, बापू आसाराम की बात करें पास्को एक्ट के अंदर वो अंदर है, यहां भी महिलाएं ही ज्यादा थी, महिलाओं की संख्या 110 के लगभग मरने वालों की है, ऐसे जहां भी और भी ऐसे बाबाओं के कई रूप देखने को मिले हैं जो जिनके लिए जनता पागल है, उनके दर्शन के लिए पागल है। यही देख लें कि बोले चरण रज के लिए भगदड़ मच गई, तो महिला प्रेमी होते हुए भी महिलाएं उनके नजदीक जा रही हैं। क्या कहेंगे इसकी, क्या कानून कुछ कानून बनाने, क्या इस पर भी क्या आवश्यकता है क्या अजय जी? सामाजिक विवेचना जब हम करते हैं तो नए ढंग से उसका विवेचन करना पड़ता है सिर्फ, और ये हिंदू धर्म में नहीं है। आप थोड़ा क्रिश्चियन की तरफ जाइए, एक टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, आप कभी बौद्ध धर्म में जाइए सब कुछ घर छोड़कर उनके पीछे चल देते हैं, आप कभी चले जाइए जो अन्य समाज हैं, सभी समाजों में इस तरह की संलिप्तता होती है। और इसका सीधा कारण जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कह रहे थे कि एक इमोशनल अटैचमेंट जो उनकी उस नृत्य पर, जिसे कि केमिकल लोचा शब्द आपको एक फिल्म में आया, इसमें केमिकल लोचा जो होता है वो दिखाई पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी घटनाओं को आप सामाजिक बैन के साथ, प्रतिबंध के साथ नहीं रोक सकते, आपको रोकना तभी पड़ेगा। इसके खिलाफ जो कानून बनेगा कि भगदड़ होगी, कोई मरेगा, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकारें जो भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, किसी की सरकार, एक बार सरकार थोड़ा दबंगई के साथ एक्शन ले लेगी तो मुझे लग रहा है कि अभी क्या होता है कि सरकारें वोट बैंक के डर से या सरकारें वो एक बड़े समाज के डिप्रेशन रिप्रेजेंटेशन के चक्के एक्शन नहीं ले पाती हैं। मुझे लग रहा है कि जब सरकारें एक्शन लेना शुरू करेंगी, कड़ा कानून होगा और मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ शांति होगी और ये जो इतना बवंडर मचता है उसमें काफी कुछ कमी आएगी। इस बिल्कुल मतलब ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की, आपका कहना है? स्वाभाविक रूप से सरकारें जिस दिन वोट बैंक को हाशिए पर कर देंगी उस दिन एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो मुझे लग रहा है कि इस पर प्रतिबंध बैन लगेगा, इस पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा जी। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं, स्वास्थ्य पीठ है से है उज्जैन से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? अवधेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मैं सुनता रहूं जी। ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, देखिए आप लोग भी हैं और भी मैंने देखा है जो बकायदे पूजा पाठ करते हैं, त्याग करते हैं, फिर व्यापार इसको नहीं बनाते हैं आस्था को, लेकिन मैंने देखा कि आप जैसे लोगों के पास लोग उतनी आस्था नहीं रखते जितना व्यापार बनाने वालों के पास आस्था रख के, और वो लोग उनके, अगर उनके संपत्ति का विवरण करें तो करोड़ों अरबों रुपए हैं उनके पास। तो ऐसे में क्या आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? जैसे अभी जो हम घटना जिसपे बात कर रहे हैं, जो नारायण साकार विश्व हरि भगवान अपने आप को कहते थे, फिर भी लोग एक सत्संग में 2 लाख 3 लाख इस तरह लोग पहुंचते हैं, सूट बूट के साथ बकायदे जूता मोजा सब पहन करके वो सत्संग करते हैं, फिर भी लोग पहुंचते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप?
मैं ऐसे लोगों के लिए कहूं, उससे पहले मुझे ऐसी जनता के लिए कहना पड़ेगा जी, कि जो कि इस सनातन राष्ट्र में है, जिसमें हमारी लाखों वर्ष प्राचीन परंपरा है हिंदू धर्म की जी, हमारे पास चार वेद हैं, छह शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं जी, इतना सारा वर्णन उसमें किया गया है धर्म के विषय में जी, धर्म की क्या मर्यादाएं हैं, धर्म के क्या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सबके बारे में उसमें बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी इस प्रकार के लोग आते हैं, इनको ढोंगी कहें, पाखंडी कहें, मनमुखी कहें, जो भी कहें, ऐसे लोगों से जनता बहुत अधिक अट्रैक्ट होती है जी। अब आप बताइए, जब जनता स्वयं अट्रैक्ट हो रही है, कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है जी, तो उसमें क्या तो कानून करे, क्या कोई नेता करे, क्या विनेता करे, और क्या हम लोग भी करें? उनको ऐसा लगता है कि शायद यहीं से हमारा कल्याण होने वाला है जी, और वो फिर अंधा विश्वास करने लग जाते हैं। अभी आपने अभी कितनी बड़ी बात कही, मैंने भी उनके कई फोटो देखे, उनका जो नाम है वो कहीं से कहीं संत का नाम नहीं है जी, उनकी जो वेशभूषा है वो कहीं से कहीं तक संत की नहीं जी, हमारे अखाड़े द्वारे आदि से हमारी सांप्रदायिक जो व्यवस्था है उनसे वो कहीं से कहीं तक नहीं जुड़े जी। लेकिन आप कल्पना करिए कि उनके सामने जो जनता बैठती है, तो किसी हिंदू धर्म कुछ अन्य धर्म के लोग भी साथ जाते थे, लोग ऐसा भी कहते वो तो मानवतावादी के साथ, वो तो केवल मानव धर्म मानते थे। ठीक है, मानव धर्म मानते थे, लेकिन मानव धर्म माने तो भी मानव धर्म की भी कुछ मर्यादाएं हैं जी, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि जो भी लोग मनमुखी ढंग से बाहर आते हैं जी, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, जनता उनको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता स्वयं किसी नियम कानून का पालन नहीं करना चाहती, धर्म को सच्चे अर्थों में जीना नहीं चाहती, उसको तो थोड़ा सा ऐसा कहीं लालच दिख जाए कि यहाँ से हमारा ये काम हो जाएगा जी, बस फिर वो जैसा भी आप कह रहे थे कि एक रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख सकती है जी। अब बताइए, जिस जनता की ऐसी सोच बन गई हो तो उसमें तो ऐसे बाबा तो पनपेंगे फिर बिल्कुल। तो फिर आप जैसे लोग जो तपस्या करने वाले हैं, चाहे बहुत सारे हम जानते हैं बाबाओं के नाम नहीं लेंगे, जो तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, फिर कुछ हासिल करते हैं, उन लोगों को यह आवाज नहीं उठानी चाहिए कि ऐसे लोगों से, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ महिलाओं का नाम जुड़ा है, तो आप लोग इस तरह की आवाज उठाएं कि ऐसे लोगों से दूर रहें। हमें नहीं लगता है कि राम भद्राचार्य जी का जरूर एक आया है कि इनके ऊपर मर्डर केस लगना चाहिए, बाकी किसी का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके आवाज उठाने से भी उस पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं जी। जनता अपना स्वार्थ देखती है, जहां उसको अपना स्वार्थ नजर आता है वहां छुप जाती है जी। अब यहाँ जो घटना हाथरस में हुई है, इसके पीछे ये जरूर लगता है कि जहाँ कम से कम 20 लाख या 30 लाख लोग उपस्थित हों जी, और वहाँ क्राउड मैनेजमेंट का कोई प्रशासन की तरफ से मान लीजिए प्रबंध न हो जी, ये अपने आप में एक रिस्क भरा काम पहले से ही था जी। या तो एक निश्चित संख्या के लिए ही अनुमति देनी चाहिए, भाई इतनी इतने लोगों से अधिक अगर उपस्थित होंगे तो उनका एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए, अन्यथा आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब वो व्यवस्था या तो क्राउड मैनेजमेंट की, या तो आयोजन कमेटी करे, समिति, या फिर प्रशासन करे, उसका एक धर्म बनता है। दोनों नहीं करते और लाखों लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो मुझे लगता है तो बहुत बड़ी गलती है। और लाखों लाखों लोग बताओ कर आजकल जा रहे हैं अपने स्वार्थ में, ये सब एक जान पर रखकर कहीं जा रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ा सबक देती है और इसे हमको जरूर सीखना चाहिए। चले, मैं पुरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं रायपुर से। गौरव जी, आपको ही सबका उत्तर देना है चूंकि, इसलिए मैं आपके पास अंत में आऊंगा। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, आ रही। आप अभी राजन साहब हैं सपा नेता, आपके यहीं से हैं, लखनऊ से हैं, वो भी अब अपनी बात कहेंगे। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं रायपुर से हैं। नितिन जी, इसको क्या मानते हैं आप, ये एक हादसा है या आस्था के नाम पे अंधविश्वास है, जो भी घटना हुई है इसमें, या फिर प्रशासन की चूक है, क्या कहेंगे नितिन जी?
देखिए, सबसे पहले तो मुझे जानकारी है 125 लोगों की इसमें मौत हुई है। 121 अभी प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। 121 की पुष्टि की है। लोगों की मौत हुई है। सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, साथ ही जो घायल है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जी, मुझे ये समझ में नहीं आता त्रिपाठी जी, ये बाबा बनते कैसे हैं? जी, ये बड़ा एक प्रश्न है। आपने नाम लिया आसाराम, आपने नाम लिया राम रहीम, एक नाम आप भूल गए निर्मल बाबा, एक भजिया समोसा, रामपाल सिंह भी थे, पार्लर चले जाओ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसी बहुत सी बेतुकी जैसी बातें होती हैं, फ्रूट बूट टन का प्रवचन देते हैं। चलिए मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों की आस्था पे चोट पहुंचे, पर मोस्टली हम देखें तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। 50,000 लोगों के आयोजन में 2.5 लाख लोग पहुंचे, कहाँ था प्रशासन, वहां का इंटेलिजेंस, वहां की पुलिस, हम बात करें जिन सेवादारों ने धक्का मुक्की की, भगदड़ मची, तो वो भगदड़ मचाने वाले जो लोग थे, जो सेवादार थे, उनके खिलाफ अभी तक नामजद FIR नहीं हुई है, ना कोई उनको गिरफ्तारी हुई है। जिन बाबा के सत्संग में सारे लोग आए थे, इतने भक्त आए थे जो उनके श्रद्धालु थे, उनका कहीं FIR में नाम नहीं है। आश्रम से वो गायब हैं, फोन उनका स्विच ऑफ है, तो बहुत सारी चीजें तो ये सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं। और बाकी बचा तो आपकी स्टोरी में और आपके संवाददाता जो कह रहे थे कि किस प्रकार एक गोपनीय कक्ष बना हुआ है जिसमें महिलाओं का आना जाना होता था, तो बहुत गंभीर मामले भी मुझे लगता है इसमें सामने आ सकते हैं। राज्य सरकार की पूर्ण रूप से चूक है और इसमें प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी अभी तक क्या एक्शन हुई ये भी जानकारी मिलनी चाहिए और इस पर भी एक्शन होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये ऐसे जो भी सत्संग होते हैं, ऐसे जो भी आयोजन होते हैं, मैं बता दूं रायपुर में हाल ही में प्रदीप मिश्रा जी की, बागेश्वर बाबा जी की जो है उनकी कथाएं, उनके प्रवचन होते हैं। मैं तो मेरे लोगों से यही अपील करता हूं, जो लोग मुझे पास के लिए फोन करते हैं VIP पास दिलवा दीजिए, तो मैं तो यही उनसे कहता हूं, निवेदन करता हूं कि भाई अपने घर के बुजुर्गों को इस भीड़ में मत भेजिए। आप इसको TV पे भी दिखा सकते हैं और YouTube चैनल पे भी दिखा सकते हैं, घर पे शांति से दिखाइए, इस भीड़ में मत जाइए, क्योंकि ये भीड़ कब अनियंत्रित हो जाए इसका ठिकाना नहीं है। कानून बदलने की बातें चल रही, इस विषय में कड़े कानून बनने चाहिए, जहां कानून बनाने चाहिए वहां कानून नहीं बन रहे हो, जहां पर कानून अच्छे बने हुए वहां छेड़छाड़ करके दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस विषय पे कड़े कानून होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मामला है हाथरस वाला, इस पर प्रशासन की, शासन की बहुत बड़ी चूक है। साथ ही जो मैंने FIR के विषय में बात की कि जो जिम्मेदार लोग हैं कथा में, जो वो सेवादार थे जिन्होंने धक्का मुक्की की, बाबा से संबंधित जो लोग थे, आयोजन करता थे, एक व्यक्ति की तो इस प्रकार त्रिपाठी जी मौत हुई। एक सिपाही है रवि नाम का, जो वहां पर ड्यूटी कर रहा था, उसने इतनी सारी मौतों को देखकर उसकी हृदयघात से वहीं पर मृत्यु हो गई। जी, जी, आप सोच सकते हैं कैसा मामला, कैसा माहौल होगा, किस प्रकार वहां पर पोस्टमार्टम के उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किस प्रकार भीड़ लगी है, किस प्रकार लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं। दर्द, बहुत दर्द होता है इन चित्रों को देखकर। इसमें जिम्मेदारी नितिन जी, नितिन जी, और मैंने तो यह भी सुना कि चप्पल पहनकर प्रवचन देते हैं, जूता पहन के। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ त्रिपाठी जी, हाँ जूता पहनकर, मैं तो नित्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, रोज 1 घंटा ईश्वर का स्मरण करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो आम जनता से मैं अंधश्रद्धा से दूर रहे ये अपील तो जरूर करूंगा। अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को मानिए, मन में सिमरन करिए, पूजा पाठ करिए, धर्म का सम्मान करिए, पर पाखंडियों से बचिए। नितिन जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई कि इसके लिए अच्छा कड़े कानून बनना चाहिए। जब एक उंगली आगे उठाते हैं, 4 अपनी तरफ होती है। आपकी भी सत्ता रही है, आपकी भी कई राज्यों में सत्ता है भी, वहां कितने कड़े कानून बने हैं इसका मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनके लिए इस तरह का आप सजेशन देंगे कि वो कड़े कानून आपकी जहां सरकार है। RP राजन जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, नितिन जी की बातों को नोट कर लीजिए, हम आपसे उत्तर लेंगे। राजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। राजन जी, हाथरस की घटना में आप क्या मानते हैं, कौन है दोषी? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो इतनी भयावह और ये विभत घटना है, किस घटना पे हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करना, ना कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है जी।
हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, कोई बयानबाजी नहीं होगी हमारी तरफ से, ना हमारे नेता ने अच्छी राजनीति टिप्पणी की। प्रथम दृष्टया उन मूल लोगों को श्रद्धांजलि जिनके परिवार बिछड़ गए, जिन परिवारों में इतने बड़े हादसे हुए लोग नहीं रहे, और जो लोग चोटिल हैं इस तरह से उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रथम कामना करता हूं। अभय त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक चूक तो है, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जब घटना घटी तो घटना के बाद दो ढाई घंटे के बाद भी बड़े उच्च अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाए, और डॉक्टर्स की ये स्थिति रही कि 50-50 60-60 लोगों के बीच में एक डॉक्टर कैसे इलाज कर पा रहा, डॉक्टर्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था, कितनी ऐसी स्थिति बनी थी, अस्पताल की भयावह स्थिति थी, लाशों का अंबार लग गया, तो जो स्थिति वहां की थी वो देखे नहीं देखी जा रही थी, हृदय विदारक घटना है, इसको कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को पूर्णतया सबके साथ खड़े होकर के जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के परिवारों को संभालने के लिए साथ खड़े रहना चाहिए। अभी आज एक छोटा बच्चा था, उसके माँ बाप थे, वो दोनों एक्सपायर हो गए, वो हमारे जनपद के जानने वाला मिला, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिश्तेदारी हमारे जनपद में खबर मिली, प्रयास कर रहे हैं, खोजा रहे हैं कैसे कैसे, तो इस तरह से जो बिछड़े हुए लोग उनको मिलाने के लिए सबसे पहले सारे लोग आगे आए, सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ करे, हमारी मांग है सरकार उन लोगों के साथ खड़े होकर के काम करे, और सरकार को चाहिए कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में सबक ली जा सके। क्योंकि होता क्या है त्रिपाठी जी कि हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में सदैव कार्यक्रम की परमिशन होती है 50,000 की व्यवस्था, 50,000 के हिसाब से होती है, प्रशासन कहता है 50,000 की व्यवस्था, वहां हो जाती है संख्या अधिक, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख, लेकिन जब ये 2.5 लाख लोग अगर एक जगह कहीं एकत्रित होते हैं तो आईबी क्या करता है, एलआईयू क्या करता है, सरकार के पास क्या इनपुट नहीं होता, सरकार के पास इनपुट तो केवल राजनीतिक लोगों के लिए होता है, तो सरकार को भी इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था, उन अधिकारियों का एक फेल्योर है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। त्रिपाठी जी, कार्रवाई करने से ये होगा कि अन्य जनपदों पदों के भी अधिकारी उससे सबक लेंगे कि और कहीं भी ऐसी कोई कार्यक्रम होंगे तो वो लोग उसमें सचेत रहेंगे, और भविष्य में ऐसी कोई घटना ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमारी मांग शासन से है, सरकार से है, कि सरकार हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होकर के न्याय करे और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे, और ये भगदड़ क्यों मची, उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उसमें जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप दोषी किसको मानते हैं राजन जी, यहाँ पे बाबा को दोषी मानते हैं क्या, सूरज पाल जाटव उर्फ बाबा, हरी बाबा, इनको दोषी मानते हैं क्या कहीं से, जो सूट बूट पहन करके और जूता चप्पल पहन के सत्संग करते हैं, आप दोषी मानते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो अगर कोई व्यवस्था आप करते हैं, कोई कार्यक्रम आप करते हैं, और आपके आयोजन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि आप दोषी हैं, आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप 50,000 की व्यवस्था करते हो, 5 लाख लोग आते हैं, आपको प्रशासन आपको भी ध्यान देना चाहिए था कितनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी उनके लोग हैं ये जांच का विषय है, जांच हो, सरकार जांच करे, बाबा दोषी बाबा पर कार्रवाई करे, सेवादार दोषी सेवादार पर कार्रवाई करे, भगदड़ कैसे मची इस पर भी जांच होनी चाहिए, और लापरवाही क्यों हुई, क्यों अगर 50,000 का कार्यक्रम है तो इतने लोग इकट्ठे हो गए तो प्रशासन ने कैसे परमिशन दी, वहां से पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी, उतने डॉक्टर्स की व्यवस्था क्यों नहीं थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था क्यों नहीं थी, आपातकाल गेट खुले होने चाहिए थे कि नहीं थे, एग्जिट की क्या व्यवस्था की थी, एक्सेस की क्या व्यवस्था थी, ये जब कोई कार्यक्रम होता तो चारों तरफ 4-5 जो है एग्जिट के इमरजेंसी बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, कोई बड़ी घटना घट जाए वहां लेके भागा जाए, प्रशासन मुस्तैद रहे, वहां तो ड्यूटी में तैनात एक सिपाही की भी मौत हो जाती, केवल भयावह स्थिति देखने के बाद उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है बेचारे, ये कितनी हृदय विदारक घटना है। तो इसमें जो भी दोषी हो मेरी मांग है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी त्रिपाठी जी। चलिए, प्रतिपक्ष होने के बावजूद राजन साहब ने आपसे डिमांड की है, माने सरकार से डिमांड की है, उन्होंने कोई अभी प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जरूर लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप नहीं लगाया, नितिन भंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन हमारा आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तो एक ही बाबा योगी बाबा, ये सतपाल जाटव कहां से पैदा हो गए बाबा, और इतने लोग इस तरह की किसी प्रवचन में, देखिए दर्शन के लिए किसी तीर्थ स्थल पे जाने पे भगदड़ मची है, मरे हैं, आंकड़े बताते हैं, कहीं 100 का भी आंकड़ा पार हुआ, लेकिन किसी भी बाबा के सत्संग में पहुंचने पे इतनी बड़ी संख्या में लोग काल कालवित हो जाएं, ये हमें लगता है हिंदुस्तान की पहली घटना है। आपको क्या लगता है, क्या यहां प्रशासन से चूक नहीं हुई है क्या? देखिए
त्रिपाठी जी, प्रथम दृष्टया हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो जिले के अंदर जिम्मेदार अधिकारी है वो प्रथम दृष्टया दोषी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सरकार के दौरान प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ था और 26 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था, उसमें स्नान किया था और बहुत सारे पांडाल भी लगे थे। कितना बेहतर, कितना सुंदर मैनेजमेंट हुआ था, प्रबंधन हुआ था, वो ऐतिहासिक था। भूरी भूरी प्रशंसा विश्व के तमाम लोगों ने की थी उस आयोजन की। और इस तरह का आयोजन जब वहां पर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जिला का प्रशासन और जो आयोजन करता है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जांच आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के प्रबंधन में भी जिला प्रशासन का सहयोग नहीं लिया जा रहा था या उसको दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था। और चरण रज लेने के लिए, चरण रज का एक स्पेसिफिक इवेंट, एक विशेष रूप से एक आयोजन ये बाबा कराता था। जो लोग धूल लेते थे ऐसा माना जाता था कि उनके सारे कष्ट या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जी। और उस चरण रज को लेने के लिए भीड़ अनियंत्रित होती है और उसके आयोजनकर्ता छोड़कर भाग जाते हैं। अब अनियंत्रित कराई जाती है या हो जाती है और उसके बाद बाबा भी भाग जाता है और आयोजनकर्ता भी भाग जाते हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस उस पर गहनता से जांच कर रही है। साथ ही साथ इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार में ये पहली घटना है तो स्वाभाविक है कि इसका भी इलाज हमारी सरकार ही करेगी, क्योंकि ऐसी घटना पूर्व में भी हुई है। मैं मानता हूं जय गुरुदेव का एक आयोजन काशी में हो रहा था और वहां पर 3000 लोगों का परमिशन लिया गया था और 1,00,000 लोग पहुंच गए थे और स्टैम्पीड में वहां भी 50 लोग मारे गए थे। प्रतापगढ़ में स्टैम्पीड हुआ उसमें लोग मारे गए। तो इस तरह की पूर्व में घटनाएं हुई थी, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रशासन जारी करता है लेकिन बहुत जगह पर इसको फॉलो नहीं किया जाता है। अपने तरीके से अपना कानून वहां पे आयोजनकर्ता लगाते हैं, उसको चलाते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की शिथिलता भी दिखती है। लेकिन ये बहुत ही दुखद और बहुत ही क्रोधित करने वाली घटना है। पूरा जनमानस इससे व्यथित है और इसमें जो जिम्मेदार होंगे, चाहे वो तथाकथित बाबा हो जो जूता पहन करके प्रवचन करता है, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि हिंदू धर्म का होगा। हिंदू धर्म में तो इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं कि कोई बाबा इस तरीके से प्रवचन करे। फिर भी अगर उसके प्रति लोगों की आस्था है, उसके प्रति लोगों की भावनाएं हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, जवाबदेही भी बनती है, संवेदनशीलता भी बनती है। तो उसकी कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। और ये उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति। मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप चंद समय इंतजार करिए, निश्चित रूप से इसका भी पटाक्षेप होगा और भविष्य में कभी इस प्रकार की घटना न घटे उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन भी होंगे और कानून भी बनेंगे और कड़े कानून बनेंगे जिसके आधार पर ऐसे लोग दंडित भी किया जा सके। गौरव जी क्या नहीं लगता आपके, आपको ये नहीं लगता कि बाबा के राज में कथित बाबा ने इतना बड़ा तांडव मचा दिया, ऐसे में बाबा पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है, उनके सेवेदारों पे हुई है। ऐसे में लग रहा कि कहीं ना कहीं चूंकि इतने उनके भक्त हैं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में, आपको नहीं लग रहा? देखिए, इसी बाबा को प्रोटेक्ट करते हुए, इसी बाबा का प्रचार करते हुए अखिलेश जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनके भी वीडियो वायरल है। आज अखिलेश जी हमलावर हो रहे सरकार के ऊपर और जय गुरुदेव का कांड उन्हीं के सरकार में हुआ था। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें सीधे तौर पर सरकार को दोषी दे देना वो उचित नहीं है। जो आयोजन करता है जिला प्रशासन है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और उसमें जो दोषी लोग हैं उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट राजन जी आ रहे हैं आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए, गौरव जी की हम आपके पास फिर आ जाएंगे जी। माननीय उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ जज जो रिटायर्ड जज है, वो एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर की ज्वाइंट कमेटी जो है इसकी जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट आने दीजिए, आपको कड़ी कार्यवाही दिखते हुए मिलेगी। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का, लेकिन गौरव जी प्रथम दृष्टया तो बाबा भी दोषी हैं कहीं ना कहीं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो भगवान बन रहे हैं, आस्था पे लोग, हिंदू आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, चरण रज अपनी धूल
की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए? और दूसरा सवाल गौरव जी, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए, इनके ऊपर 6 आपराधिक प्रकरण हैं जहां तक मैंने जांच करके पता किया, क्या ये सारे आपराधिक प्रकरणों पे फिर से जांच होगी और उनपे कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी बाबा को? मैं आपको त्रिपाठी साहब एक बात मैं बता दूं, बाबा के 7 जन्म की कुंडली खुल जाएगी जी, और उसके ऊपर जितने आपराधिक मामले हैं और जो इस कृत्य में जो वो कुकृत्य करता था उसके भी पन्ने खुल जाएंगे, और उन सब अपराधों के प्रति जो दंड होना चाहिए उस दंड का वो भागी बनेगा, इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक स्वार्थ नहीं है उसके साथ। उसको अगर वो जिम्मेदार है, अपराधों में लिप्त है, तो उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। कहीं बाबा पहले ही जेल में इस सरकार के अंदर में है, जेल काट रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, उनको किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है। ये सरकार अपराधियों के प्रति केवल वही व्यवहार करेगी जो अपराधियों के साथ होना चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं, और इस बात के लिए मैं प्रशंसा भी करता हूं अपने विपक्षी प्रवक्ता का कि इस पे राजनीति नहीं कर रहे और राजनीति से बचे तो अच्छा होगा। चलिए, थोड़ी सी राजनीति आपने कर दी है, एक बार फिर राजन जी के पास चलते हैं। भंसाली जी आपके पास और अवधेशपुरी जी महाराज जी आपके पास मैं आ रहा हूं, एक बार राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजन जी। जी जी जी, मैंने तो बड़े शालीनता से बड़े उससे कहा कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन त्रिपाठी जी, इतना दुखद विषय था, हमें बड़ा हैरानी में हूं कि सत्ता पक्ष में हो करके भी, सरकार में बैठ करके भी आप राजनीति कर रहे हो, बड़ी बेहयाई है यार, इतने लोगों की मौत हो गई। मैंने पहले ही कहा कोई राजनीति होनी चाहिए। अब मैं अगर कहना चाहूं, एक झांसा राम जो जेल में है उनके साथ देश के प्रधानमंत्री जी दीक्षा ले रहे थे मंच पे, वो जो पढ़ रहे थे वो रेप में जेल में है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी उनका सहयोग कर रहे थे क्या? इस तरह के आरोप लगाना माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी पर, अगर फोटो देख करके आप आरोप लगा रहे हो, तो मैं तो कहूंगा कि जो रेप का आरोपी रेपिस्ट बलात्कारी जो बाबा आज जेल में, उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े थे, तो प्रधानमंत्री जी रेप का बलात्कारियों का सहयोग करते हैं, और जो लवन्ना का भी उन्होंने सहयोग किया था, जो बलात्कारी है, समर्थन मांगा था, और बाबा के साथ मंच पे खड़े होकर के आसाराम के साथ जो है प्रवचन दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो इस तरह की बातें शर्म नहीं आनी चाहिए आपको? बड़ी बेहया है यार, आपने लवन्ना को जेल में क्यों नहीं डाला, क्यों ने उसको गिरफ्तार किया? सरकार तो आपकी थी। अरे सरकार आपकी है, भेजो ना जेल में भाई आपने। अरे सात साल से सरकार आपकी है, आप कहे ना भेजे तो जेल में। अरे सर नहीं आती, बड़े कर रहे हो कर्नाटक, मौतों का राजनीति कर रहे हो कर्नाटक में, मौतों का राजनीति कर रहे हो ना, इसलिए मौतों की राजनीति करने का पूरा खेल आपका है, इसलिए मौत पर राजनीति मत करिए। अरे अरे पुराने क्या आप मरवाने वाले, राजनीति करने का, साधु संतों को जेल में बंद करवाने वाले, मंत्री खड़ा उस पर राजनीति तो आप करते हो, उनके साथ प्रधानमंत्री खड़ा होकर आप किसी बाबा के साथ बलात्कारी के साथ, अरे सर नहीं आती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो चला दूं दोषी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, क्यों कार्रवाई बाबा में नहीं की? बाबा गायब हो गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? चले बाबा गौरव जी बता देंगे, बाबा जी का बाबा के खिलाफ अभी एफआईआर ही नहीं हुई है, तो और क्या करेंगे? चिंता मत करिए, बाबा के खिलाफ एफआईआर ही नहीं है, तो बाबा गायब कैसे हो गया? एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसीलिए कह रहा हूँ बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये संरक्षण देने वाले हैं, ये संरक्षण देते हैं बलात्कारियों का, अपराधियों का, प्रधानमंत्री बलात्कारियों के बगल में खड़ा होता है, इनको शरण नहीं आती, राजनीति करते हैं। मैंने पहले कहा था कोई राजनीति नहीं करते, राजन साहब एक बार राजन साहब मिश्रा जी हम आपके पास फिर से आ रहे हैं, एक बार फिर हम अवधेशपुरी महाराज जी के पास चल रहे हैं। अवधेशपुरी जी महाराज जी, इस समय ये एक तरह से ट्रेंड देखा गया है, चलता जा रहा, पहले नहीं होता था, जो संत होते थे, तपस्वी होते थे, त्यागी होते थे, उन्हीं तक लोग, जो आम लोग या भक्त लोग, उन पे विश्वास करते थे, लेकिन अब जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं वो बड़े बड़े भक्त हो रहे हैं, चाहे आप आसाराम जी की बात कर लें, चाहे आप राम रहीम जी की बात कर लें, जो भी हैं, या अभी ये बाबा जी अपने पत्नी के साथ ही सत्संग करने जाते थे, ये क्या वजह हो गई है? क्या हमारा धर्म कहीं दूसरी ओर तो नहीं रुख कर रहा है, या लोगों की आस्था कहीं भटक तो नहीं रही है? जी देखिए, प्रश्न यह है कि वो पारिवारिक है या पारिवारिक नहीं है, इसका बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। बात यह कि
हमारी तो परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, ऋषि भी हैं और मुनि भी हैं, दोनों व्यवस्थाएं, दोनों परंपराएं हैं, परंपराएं दोनों ही अपनी जगह विशुद्ध हैं। लेकिन परंपरा में जब इस प्रकार का पाखंड आता है, अब इस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? जी, जो व्यक्ति जूता पहन करके प्रवचन कर रहा है, चप्पल पहन करके प्रवचन कर रहा है, पैंट शर्ट कोट पैंट सब टाई वगैरह अप टू डेट वो नजर आ रहा है और मंच पर बैठा है सोफा डाल करके, और उसके सामने लाखों लोग उपस्थित हैं, तो मुझे तो एक ही बात कहनी है कि ये सबसे बड़ी इसमें अगर कोई गलती है तो वो जनता की है, कि क्या जनता के पास थोड़ा भी विवेक नहीं रह जाता? वो नहीं समझती कि हम किस व्यक्ति के सामने बैठे हैं, है? जो अपने अपने धर्म को नहीं समझ रहा हो, धर्म का ही अपमान कर रहा हो, और हम उस व्यक्ति को धार्मिक मान करके शरण गच्छा में हो जाए, तो ये अपने आप में गलत है। दूसरी बात मैं कहूंगा, कोई भी सरकार हो, माना कभी योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, दूसरी पार्टी के लोग आक्षेप लगा सकते हैं, लगाए, लेकिन मैं तो एक बात जरूर ये कहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभाव में होता है, चाहे वो कोई बाबा हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति भी हो, तो सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं, बनी के साथ ही हजार रोते हैं, पुरानी कहावत है, और जब उस व्यक्ति पर कोई संकट आ जाता है तो फिर उसकी पुरानी कुंडलियां सात जन्म की कुंडलियां निकाली जाती हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदा ये कहता है कि थोड़ा हमारे जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनको भी हम समझें, धर्म की जो मार्मिकता है, धर्म की जो बारीकियां हैं, उनको भी हम समझें, धर्म किसे कहते हैं उसको भी हम समझें। केवल अपने स्वार्थ में हम अंधे हो जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कोई भी हमको प्रलोभन देता है, उसमें चाहे कितना भी पाखंड हो, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ से हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी, तो लोग वहां कट मरते हैं। ये अपने आप में बहुत गलत है, और सबसे पहले सजग होने की आवश्यकता है जनता को, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर इस प्रकार का कोई बाबा सफल हुआ है तो उसके पीछे जनता का अंधविश्वास है, जनता को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ विश्वास के देवता भगवान शिव है, श्रद्धा की देवी स्वयं पार्वती जी हैं, तो जहां सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं, उन सबको भूल करके हम इस प्रकार के मनमुखी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। आप जितने भी नाम ले रहे थे नबी, ये टोटली मनमुखी नाम आप ले रहे थे, इसमें कोई परंपरागत संत नहीं थे। लेकिन आप करिए कल्पना करिए कि परंपरागत संतों के पास जनता नहीं जाती और ऐसे ही लोगों के पास जनता जाती है, इसका क्या इलाज है फिर? बिल्कुल सही बात है। नितिन जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। जैसा मैंने जाने के पहले कहा था कि कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, केंद्र में भी रही है, ये सख्त कानून बनना चाहिए ऐसे आयोजनों को लेकर के जो अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास उन्मूलन कई संस्थाएं बन गई हैं, लेकिन सरकार नहीं जग रही है कि इस तरह के मुद्दों में, हालांकि FIR हो जाए, मैं गौरव जी से एक बार फिर पूछूंगा कि अगर यही है तो अभी तक इतने घंटे बीत गए हैं, बाबा जरूर कहीं छुपे हुए हैं या सतपाल जाटव कहीं भाग गए हैं, लेकिन FIR उन पे नहीं हुई है। उनके जो सागिर्द हैं, उनके जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार जो कहीं इंजीनियर हैं पंचायत विभाग में, उन पे FIR हो गई है, बाकी लोगों पे नहीं हुई। लेकिन यह कानून बनना चाहिए कि नहीं, एक विपक्ष में होने के नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नितिन जी, 101% इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और समूचा विपक्ष, मैं कहता हूं मेरे ओर से कि हम तो पूरी तरीके से इसमें सहमत होंगे अगर ऐसा कोई कानून बनता है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ। नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी। कई लोग, मैंने कहा अंधविश्वास भारत में इस कदर पैठ बना चुका है त्रिपाठी जी कि कोई, मुझे लगता है हर दसवां घर कहीं अछूता नहीं होगा। तो आम जनता को भी ये समझना होगा कि ये शक्तियां क्या है और ये कैसे होता है, और अंधविश्वास से दूर रहे। मैं तो यही अपील करूंगा, बीजेपी के विद्वान नेता कह रहे थे कि पूरी कुंडली खोल देंगे बाबा की पूरा और पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कुंडली तो खोल देंगे, कुंडली बनी कैसे? आप क्या कर रहे थे जब 8-8 आपराधिक मामले उस व्यक्ति पर दर्ज है और वो इतने बड़े आश्रम चला रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, इसमें बहुत सारी चीजें देखिएगा त्रिपाठी जी सामने आएंगी, कई ऐसी शिकायतें भी होंगी जो दबा दी गई होंगी। जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे कि उन्होंने उस आश्रम के गांव का दौरा किया, तो वहां की जनता, वहां के लोग भी जो बातें बता रहे थे, इसमें देखिएगा डेप्थ में जाने के बाद जांच में बहुत सी चीजें निकलेंगी। और उम्मीद क्या करें, कार्रवाई करेंगे ऐसा बोल तो रहे बीजेपी के साथी जो हमारे बैठे हैं, टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे, कार्रवाई करेंगे ऐसा गौरव जी बोल रहे हैं, अब देखते हैं कार्रवाई कब करेंगे। उम्मीद तो कम है, पर इस विषय में कड़े कानून बनने चाहिए, इस बात के लिए मैं सहमत हूँ। जी अजय त्रिपाठी जी, मैं जैसा कि आपने कई इस तरह के हादसे, मैंने एक लंबी फेहरिस्त है, हालांकि वो तीर्थ स्थलों पे इस तरह के हादसे हुए, प्रबंधन कहीं ना कहीं
चाहे प्रशासकीय प्रबंधन हो, पुलिस का प्रबंधन हो, या उस स्थान के जो ट्रस्टी होते हैं उनका प्रबंधन हो, फेल रहता है और उसके घटनाएं घटती हैं। आपको याद है कि कहीं इस तरह की घटनाएं जो घटी हैं उसके बाद जांच हुई हो और जांच के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई हो, आपको याद है कहीं? नहीं, वही तो बात अभी जो गौरव जी बात कह रहे थे कि लखनऊ में भी हुआ था वो हादसा, सॉरी बनारस में हुआ था, गुरुदेव वाले मामले में हुआ था, फिर कुंडा प्रतापगढ़ का जो कुंडा तहसील है वहाँ पर कृपालू महाराज की उसमें बड़ी भगदड़ मच गई, 32-35 लोग मारे गए थे। इस तरह की घटनाएं बहुत जगह पर, सवाल वही होता है कि जांच के बाद जो मेन टारगेट है वो बिहार, वो बाबा हो या सेवादार हो या जो व्यक्ति रहते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं आता। मैं जो बार एक बार शुरू में एसपी साहब बात कह रहा था कि जब तक राज्य सरकारें या सियासी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी, जब तक ये अपने वोट बैंक का लालच नहीं छोड़ देंगे। आप जितनी घटनाएं देखिए, आप जो राम रहीम की बात कर रहे थे कि वो वोट बैंक उससे कन्वर्टेड था, आप जो आशाराम की बात कर रहे थे वोट बैंक उससे जुड़ा हुआ था, और ये जो जाटो जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में समाज, बड़े समाज का, तो जब तक आप ये वोट बैंक का लालच छोड़ करके वास्तव में समाज के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक की ऐसे जांच होती रहेंगी, कमेटियां बनती रहेंगी, रिपोर्ट्स आती रहेंगी और लोग किसी न किसी बहाने बचते रहेंगे, फिर हादसे होंगे, दोबारा होंगे। आज 100 मरे हैं, कल 150 मरेंगे, लेकिन सवाल ये कि एक एक्शन निश्चित रूप से, और उम्मीद इसलिए की जाती है कि योगी का वर्किंग स्टाइल जिस तरह है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है, और मुझे लग रहा है कि योगी का जो वर्किंग स्टाइल है ये लोगों में ये उम्मीद जगा रहा है कि बड़ा एक्शन होगा, और बड़ा एक्शन जो होगा, जो गौरव जी बात कह रहे हैं, शायद उतना बड़ा एक्शन होगा तो भविष्य में काफी कुछ इस पर रोक लग सकती है। देखिए, गौरव जी से पूछ लेते हैं, एक्शन होगा गौरव जी कब तक होगा? और जहां तक बात छन के आ रही कि सबसे पहले तो सतपाल जाटव उर्फ बाबा पे तुरंत एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने जिनकी भी एफआईआर की है वो उनके जो सेवादार हैं, जो प्रबंधक है, उन पे तो कर दी, जिनके लिए प्रबंध किया गया कि वो आएंगे प्रवचन देंगे, उन पे क्यों नहीं किया आपने? त्रिपाठी जी, देखिए ये बात सही है, आपको ऐसा लग सकता है या किसी को भी ऐसा लग सकता है कि एफआईआर पे उसका नाम क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जांच की प्रक्रिया का ये पड़ाव है, अभी शुरुआत हुई है, और संभव है कि जांच जब पूरी हो जाए तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, कहीं उम्मीद से बहुत बड़ी चीज ना हो। इसके लिए जांच को अपने तौर तरीके से चलने दीजिए, पुलिस भी जांच कर रही है, हाई लेवल कमेटी भी जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से आपको एफआईआर भी देखने को मिलेगा, और एफआईआर के अंदर वो सारे उनके अपराधों का जिक्र भी मिलेगा, उसका दंड भी उनको मिलेगा। मुझे लगता है कि नैतिक रूप से राजनीतिक दलों को, मैं वही बता रहा हूं, नैतिक रूप से राजनीतिक दलों को वोट बैंक के लालच की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं का सफाया हो सकेगा या इनका उन्मूलन हो सकेगा। लेकिन आप देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल उदाहरण आपको देते हैं, राहुल जी ने, अगर हमको राहुल बाबा भी कहें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्होंने एश्योरेंस दे दिया 8,500 रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, 1,00,000 खटाखट खटाखट खटाखट, कहां जा रहा है, कहां चले गए, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, गौरव जी कहां चले गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात मत करिए, नैतिक पतन, इस तरह का जो प्रलोभन और इस तरह का झूठ वितंडा, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं इनके प्रधानमंत्री, ऐसे लिपिस्टों के साथ खड़े होते हैं, जवाब नहीं है, मच में लगाते हैं आप, सत्ता में चलने के आरोप में चढ़ाने कार्रवाई करने के लिए नहीं है, पूछ रहे हो क्या आप हमारा जिम्मेदार होते कि नहीं होते, राजनीति खुद बताइए, लाशों में और महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी शर्म करते हैं, खड़ी हो गई, उसका जिम्मेदारी होती, तो इस झूठ से नेताओं को बचना होगा, और भारतीय जनता पहले तो नेताओं को इन बाबाओं को सबक सिखाने का पाठ पढ़ाना होगा, आपके नेताओं को इन बाबाओं को सबक सिखाएं इसका पाठ पढ़ाना होगा। जब नेता ही इन बाबाओं के आगे वोट की राजनीति में दंडवत हो जाएंगे, उस दौरान ये ऐसा होता ही रहेगा। आप आसाराम बापू को आपने बंद कर दिया, उनका भ्रम टूट गया, राम रहीम को बंद कर दिया, हरियाणा में वोट बैंक था, भ्रम टूट गया, हमारे सरकार के अंदर में कोई चंद्रा स्वामी नहीं है, जो पाखंडी बाबा थे वो जेल में है, तो चंद्रा स्वामी को कांग्रेस के नेता नरसिंह राव ने ही अंदर किया था, चंद्रा स्वामी को आपके किसी बड़े नेता ने नहीं, कांग्रेस के ही नरसिंह राव ने अंदर किया था, और कांग्रेस के ही वो चंद्रा स्वामी बाबा माने जाते थे, भिंडर वाला भी बाबा था, उसको भी कांग्रेस ने ही पढ़ाया था, चंद्रा स्वामी भी बाबा था, फिर कांग्रेस ने भिंडर वाला की समाप्ति भी की,
कांग्रेस ने ही भिंडरवाला की समाप्ति भी की। हाँ बिल्कुल, जब उतने लोगों को मरवा दिया, पूरे पंजाब में आतंकवाद छिड़वा दिया, सिखों का नरसंहार करवा दिया, तो सेना की कार्यवाही में, कांग्रेस की कार्यवाही में भिंडरवाला नहीं मारा गया, वो ब्लू स्टार के ऑपरेशन में मारा गया। चलिए भिंडरवाला अलग चीज है, भिंडरवाला अलग चीज है, यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ करना अलग बात है। और आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर सरकार उनके बारे में नहीं चेतेगी, उनके खिलाफ कठिन से कठिन दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस तरह की बातें होती ही रहेंगी, चलता ही रहेगा। हमारे कार्यक्रम में समय इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका, राजन जी आपका, बंसाली जी आपका, और महाराज जी आपका, और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, अपना अमूल्य समय दिया। तो आज हमने चर्चा की हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की। इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति चिंता में डालने वाली है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए देश में अब तक कोई मैकेनिज्म विकसित नहीं हो सका है। यदि कोई व्यवस्था है भी तो उसको लेकर प्रशासनिक प्रतिबद्धता के बजाय लापरवाही कई निर्दोषों की मौत का कारण बनती है। वहीं हाथरस हादसा आम जनता के लिए भी एक बड़ा सबक है कि वो इस तरह के आयोजनों में जाने से पहले अपनी आस्था के साथ साथ इंतजामों का भी ख्याल रखें। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करें कि कहीं वो आध्यात्मिक गुरु के बजाय आस्था के किसी व्यापारी के आयोजन में तो नहीं जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।